दोस्तों, इन्फिनिक्स अपना एक न्यू स्मार्टफोन इन्फिनिक्स 035G को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है। और दोस्तों, लॉन्च से पहले ही इस वीडियो में इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग दिखाएंगे और बताएंगे कि इस फ़ोन के बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएंगे कि ये फ़ोन कितने प्राइस पर आने वाला है और कितना का डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। लास्ट आपको ये फ़ोन कितने में मिलने वाला है, क्योंकि इस फ़ोन का प्राइस लॉन्च से पहले ही बाहर निकल के आ गया है। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि इस फ़ोन को लें कि नहीं लें, इतना कम प्राइस पर इन्फिनिक्स इतना सब कैसे दे रहा है। तो इस कंफ्यूजन को भी दूर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पूरे डिटेल में बात करते हैं इन्फिनिक्स 035G के बारे में। दोस्तों, इस फ़ोन का बॉक्स कुछ इस तरीके का होने वाला है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और जब आप इस फ़ोन के बॉक्स को ओपन करेंगे तो सबसे पहले इन्फिनिक्स 035G स्मार्टफोन मिलेगा। उसके बाद एक बैक केस मिलेगा जिसका की क्वालिटी बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद एक 68W का एडेप्टर मिलेगा। उसके बाद एक USB टाइप सी केबल मिलेगा और एक ईयरफोन मिलेगा जो कि टाइप सी वाला होगा, क्योंकि इस फ़ोन में 3.5mm का हेडफोन जैक नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, इस फ़ोन के बॉक्स में यही सब चीज़ें मिलने वाला है। अब चलिए इस फ़ोन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस फ़ोन के लुक का बात करें तो फ़ोन दिखने में कुछ इस तरीके का होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और फ़ोन दिखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। ये फ़ोन दो टाइप का होगा, एक में लेदर का बैक होगा और दूसरे में ग्लास का बैक होगा। लेदर वाला बैक थोड़ा ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और स्क्वायर कटआउट में 3 कैमरा का सेटअप रहेगा और एक LED फ्लैश रहेगा। और जो ग्लास वाला बैक होगा उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी रहेगा। और ग्लास वाले बैक में और लेदर वाले बैक में कैमरा के कटआउट में थोड़ा सा चेंजिंग होने वाला है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कुछ इसी टाइप का चेंजिंग रहने वाला है। और इस फ़ोन का थिकनेस 7.9mm रहने वाला है। फ़ोन लाइट वेट और स्लिम भी होगा और इन हैंड फीलिंग के मामले में भी फ़ोन बहुत बढ़िया रहेगा। खास करके लेदर वाला फ़ोन इन हैंड फीलिंग के मामले में ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि लेदर के वजह से ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। वहीं ये फ़ोन फ्रंट साइड से कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा, जो कि सेंटर पंचोर वाला डिस्प्ले होगा। साइड का बेजल से चिन्ह ना के बराबर ही रहेगा और फ़ोन फ्रंट साइड से भी एकदम सुपर होने वाला है। वहीं इस फ़ोन के डिस्प्ले का बात करें तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो कि 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। और ये सेंटर पंचोर वाला डिस्प्ले होगा और इसमें 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी मिलने वाला है। फ़ोन डिस्प्ले वाइज बहुत बढ़िया होने वाला है। जब आप स्क्रोलिंग करेंगे या फिर कोई ऐप को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाला है। और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है। और वीडियो व्यू एक्सपीरियंस के मामले में तो खैर बहुत तगड़ा होने वाला है। आप कोई भी हाई क्वालिटी का वीडियो प्ले करेंगे तो व्यू एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया मिलने वाला है। और आप यूट्यूब से HDR कॉन्टेंट को भी प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले में फ़ोन बहुत शानदार होने वाला है। वहीं इस फ़ोन के डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। वहीं इस फ़ोन के प्रोसेसर का बात करें, ये फ़ोन मीडियाटेक के डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर के साथ ही आएगा, जो कि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बना है। तो बैटरी इफिशियंट भी रहेगा, फ़ोन बैटरी बैकअप के मामले में भी अच्छा होगा। और इस फ़ोन का NT2 स्कोर बाहर निकल के आया है, जो कि आपको दिख रहा होगा, वो 7 लाख से ज़्यादा है। तो इससे क्लियर है कि फ़ोन गेमिंग के मामले में भी बढ़िया होने वाला है। आप कोई भी गेम को प्ले करेंगे तो गेमिंग स्मूथ होगा और एक नॉर्मल यूजर के लिए ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। और लीक्स के अकॉर्डिंग ये फ़ोन LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ आएगा। तो फ़ोन स्टोरेज और रैम टाइप में भी ठीक ठाक रहने वाला है। कोई भी ऐप को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, या फिर एक ऐप से दूसरे पे स्विच करेंगे, या बैकग्राउंड में ऐप को रन कराएंगे, तो ये सब चीज़ें अच्छे से होने वाला है। वहीं इस फ़ोन के कैमरा का बात करें तो ये फ़ोन रियर साइड से ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जहां की मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होगा, जो कि OIS के साथ आएगा। और दूसरा 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड कैमरा मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा मिलेगा। सेल्फी का बात करें तो सेल्फी में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और सेल्फी कैमरा और रियर कैमरा आप 4K 60fps तक का वीडियो को आप रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। और रियर कैमरा और सेल्फी कैमरा में सैमसंग का सेंसर का यूज किया गया है। तो इससे क्लियर है कि फोन कैमरा के मामले में भी बढ़िया होने वाला है। और खास करके जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं या फिर फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते हैं, तो उनके लिए ये फोन बहुत ज्यादा बेस्ट होने वाला है। कैमरा में भी फोन आपको सेटिस्फाइड करने वाला है। वहीं इस फोन के बैटरी का बात करें तो ये फोन 5000mAh के बैटरी के साथ आएगा, जहां 68W के फास्ट चार्ज का सपोर्ट मिलेगा। तो फोन बैटरी के मामले में भी बेस्ट होने वाला है। और ये फ़ोन डुअल स्टीरियो स्पीकर डॉल्बी एटमोस के सपोर्ट के भी साथ आएगा और इसमें 2 स्पीकर ग्रिल मिलने वाला है, एक
टॉप साइड पे और एक बॉटम साइड पे। ये डेडिकेटेड स्पीकर ग्रिल के साथ भी आने वाला है और इसमें 3.5 mm का हेडफोन जैक नहीं मिलेगा। और दोस्तों आपको बताते चलें, इस फोन के बॉक्स पे क्लियरली लिखा गया है 14 बैंड। इसका मतलब है कि ये फोन 14 5G बैंड के सपोर्ट के साथ आने वाला है, तो 5G के कनेक्टिविटी में भी फोन बेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों यही सब कुछ हाईलाइटेड डिटेल था ये इन्फिनिक्स 030 5G से रिलेटेड जो कि इस वीडियो में बताए हैं। और ये सब डिटेल जान करके आप समझ गए होंगे कि ये फोन सारे चीजों में एकदम जबरदस्त होने वाला है। वहीं इस फोन के प्राइस का बात करें तो दोस्तों देखिए, इस फोन का प्राइस इंडियन मार्केट में डिस्काउंट के बाद 21,999 रुपया रहने वाला है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज का। और इस फोन का प्राइस पहले ही लीक हो गया, इन्फिनिक्स 8 रन कर रहा था एशिया कप के मैच में, उसी टाइम पे इस फोन का प्राइस लीक हो गया और कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसे शेयर किए जो कि आपको भी दिख रहा होगा। और इस फोन का रियल प्राइस इतना नहीं रहेगा, इस फोन का रियल प्राइस थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये फोन आपको 21,999 में मिलने वाला है और 21,999 में एकदम तगड़ा डील होने वाला है। और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि इस फोन को लें कि नहीं लें, इतने कम प्राइस पे इन्फिनिक्स क्यों इतना सब चीज दे रहा है। तो दोस्तों देखिए, इन्फिनिक्स मार्केट में अपना पकड़ बनाना चाह रहा है, इसीलिए बैक टू बैक बहुत अच्छा अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, वो लोगों के दिलों में जगह बनाना चाह रहा है। ठीक है, बस इन्फिनिक्स को लोगों का ट्रस्ट का जरूरत है। आप लोग अगर इन्फिनिक्स पे ट्रस्ट करते हैं तो आगे जाकर के ये भी बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला है, ये आप जान लीजिए। और फोन बहुत अच्छा है, जो लोग 22,000 के प्राइस पे एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन का तलाश कर रहे हैं तो ये फोन एकदम बेस्ट होने वाला है। बिल्कुल इस फोन के साथ आपको जाना चाहिए, कोई इशू नहीं आएगा।